स्वागत है भोजपुरी 24x7 न्यूज में। आज हमारी बनी आपन क्षेत्र में गढ़हनी प्रखंड के प्रमुख जी के पास, तो जानल जाए इनका यहाँ से अभी तक ले अपन क्षेत्र में कितना विकास हुए और कितना रह गई बा, जो रह गई बा कब तक पूरा हुई, और साथ साथ जो चुनावी माहौल अभी चला था वो विषय में भी कुछ यहाँ से बात कर लिए। तो सबसे पहले प्रमुख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप हमारे कार्यालय में आए और क्षेत्र के बारे में रूबरू हुए। बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते हैं चूँकि आचार संहिता है, लेकिन 9 अगस्त 2018 मक्खन कुर्सी प्रमुख की कुर्सी काज मिला। उसके बाद से हम लोग पंचायत समिति के मद में बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, जिसमें हमारे बिहार सरकार पंचायत समिति से बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार किया। पहले जो राशि आती थी उसमें से 30% पंचायत समिति को मिलता था, 20% जिला परिषद था और 50% ग्राम पंचायत। लेकिन अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी या बिहार सरकार पंचायत समिति से 20% राशि काट ग्राम पंचायत हुई, मात्र हम लोग पास 10% की राशि रह गई। इस राशि से हर क्षेत्र में 13 पंचायत समिति क्षेत्र है, करीब करीब 6-7 क्षेत्र में योजना चला, कार्य पूर्ण भी हो चुका है और कुछ बाकी है। प्रकरण बन के सारा चीज रेडी था तो 50% प्रकरण पहुँच गया। 13 पंचायत समिति क्षेत्र में जो भी राशि है उसको कितन रखे हम लोग पक्की नली गली। तो अभी अगर विकास की बात करें तो अभी आपके क्षेत्र में कितना प्रतिशत हो चुका है? प्रतिशत में मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, इसमें नल जल है और पक्की नली गली। पक्की नली गली में 3 फेज अभी तक हुआ, उसमें करीब प्रखंड के ग्राम पंचायत के माध्यम से 50 से 60% काम हो चुका है। नली कहीं कहीं आप देखे होंगे, टंकी का काम भी हुआ है, नाली गली का काम भी चल रहा है, ढलाई भी चल रहा है। और हमको लगता है कि 2 साल पूरे होते होते नली गली सभी पूर्ण हो जाएंगे। कहीं कहीं रोड भी बन रहा है प्रधानमंत्री यहाँ से, हम लोगों ने लगकर पहले से विधायक जी के माध्यम से उसको हम लोग प्रयास किए हैं। आप देखते होंगे बराब में रोड बन रहा है, नासिक बन रहा है, सेंसंग हुआ कुछ कुछ, 50% फंस गया है। अभी जो प्रमुख की प्रत्याशी है उनका क्या है? प्रत्याशी नहीं प्रमुख हैं, प्रमुख श्रीमती अनिता देवी जी, धर्म पत्नी हैं प्रतिनिधि का जी। तो क्या कभी ऐसा भी लगा है आपके वज में कि सरकार मुझे कुछ और पावन दे तो मैं इससे भी अच्छा कर पा? सरकार बिहार सरकार नाम तो है पावर किताब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर सरकार छोटी नहीं। जिस तरह से एक लिमिट विधायक जी हैं तो उनका 3 प्रखंड है, तो उनको 3 करोड़ की राशि मिलती है क्षेत्र में खर्चा करने की। एमपी साहब हम उनको मिलता है, लेकिन हम लोग ग्राम पंचायत में जितना भी चीज है सबसे ज़्यादा राशि सरकार ग्राम पंचायत को दे रही है। प्रखंड प्रमुख को या हमारे पंचायत समिति सभी अंग होते हैं प्रखंड के, अगर राशि रहती जो पहले मिलता था तो हमारे पंचायत समिति मात्र 1 योजना ही कराते हैं अपने ग्राम पंचायत, 1 वोट लगता है पंचायत समिति की निधि से ये कार्य संपन्न हुआ। लेकिन वही राशि ग्राम पंचायत जो सरकार है मुखिया जी को इतना पावर दे दी है, इतना राशि इस सारा जगह तो सरकार ही मनोनी का कार्य दिखाई देता है, वोट दिखाई देता है। सरकार कहीं ना कहीं पंचायत समिति से धीरे धीरे पंचायत चुनाव में ना कहीं, आप ये तो नहीं बोल रहे ना काम हम लोग करते हैं नाम सरकार नहीं काम का, हम उस सौतेला व्यवहार करते हैं सरकार। और पावर की बात है सब लोग को मिला जुला के हम लोग चलते हैं। जब यहाँ पे आए हम लोग बैठे थे, बहुत ज़्यादा इस कार्यालय में टूटी थी कार्यालय, बहुत कुछ सुधारा गया टाइमिंग कर्मचारी से लेके और जितने भी स्टाफ हमारे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, हम लोग मिला जुला सभी चलते हैं।